हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो हम खड़े हैं अभी मेहरौली के अंदर और पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा जहाज महल, और हम देखने वाले हैं जहाज महल आज के वीडियो में। इतिहासकारों ने इसे सराय लिखा है और बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, तो चलते हैं इसके अंदर देखने के लिए। हालाँकि इसका आर्किटेक्चर देख कर लग रहा है कि ये मस्जिद है, क्योंकि पीछे की तरफ आपको दिख रही होगी मीनार वो, और इधर भी ये मीनार। तो चलते हैं इसके अंदर की तरफ इसे देखने के लिए। पीछे की तरफ तालाब शमशी है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। इसका मेन गेट अंदर एंटर होने के लिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इसके अंदर एंट्री होगी और ये गुम्मत बना हुआ है, और अंदर की तरफ ऐसे ही एंटर हो जाएंगे। और यह आ गया इसका आगे का हिस्सा, और ये यू आकार में बना है, मतलब ऐसे ये आप देख सकते हैं इस तरह से यू आकार में जा रहा है ये। इस तरह से सामने का हिस्सा जो है वो खाली है, और सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो जो इसका मेन गेट है इसके ऊपर भी एक गुम्मत बना हुआ है, तोम बना हुआ है, और पिलर लगे हुए हैं, और साइड में भी दो बने हुए हैं देखिए छतरियाँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर की ओर, यहाँ से जो इसका मेन गेट है उसके ऊपर। ये रहा देखिए जाने का रास्ता, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ओह ये रही सीढ़ियाँ, और ये देखिए ऊपर की तरफ हम इसके आ चुके हैं, और आपको नज़र आएगा ये बना हुआ गुम्मद, और ये बिल्कुल गेट के ऊपर है जो इसका मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की है। और पीछे की तरफ एक छतरी नज़र आएगी इस तरह की, और एक छतरी इधर नज़र आएगी, और एक गुम्मद इधर नज़र आएगा सामने की तरफ, और उधर गुम्मद नहीं है, एक छतरी ये इधर नज़र आएगी। और ऊपर से अगर देखेंगे इसका लुक तो इस तरह का आएगा, ये देख सकते हैं आप मेहराब बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं सामने इसका, ये गेट वाला गुम्मद, और ये आ गया इसका मेन जो इसका एरिया है उसके ऊपर का गुम्मद। और ऐसा लग रहा है जैसे पिलर अगर पड़े हैं तो ऐसा ही गुम्मद वहाँ पर होगा उस जगह पर भी, क्योंकि उस जगह पर नहीं है गुम्मद। ये देखिए अंदर से ये कुछ इस तरह का है, ये देखिए गुम्मद होगा जो कि नहीं है, अब टूट गया है। और इधर भी एक मीनार नुमा आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और पीछे की तरफ ये पार्क है, और पीछे ही हौज़े शमशी है, अभी चलेंगे उधर भी। इसका नाम जहाज महल है, और ये लोधी वंश का है, यानी लोधी काल का, जब दिल्ली के अंदर लोधी हुकूमत उरूस पर थी तो ये तब उस टाइम पे बना था। और इसके बारे में इतिहासकारों ने ये लिखा है कि ये सराय थी, यहाँ पर जो है विदेशी लोग जो होते थे उस टाइम में, जो सफ़र करते थे और सफ़र करके आते थे, तो वो लोग यहाँ पर आराम करते थे, मतलब रुकते थे। और पीछे की तरफ जो ये हौज है, हौज शमशी, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने अपने दौर में 1230 में, 200 साल के बाद जब लोधी वंश दिल्ली के अंदर आया उस दौर में ये आर्किटेक्चर बना। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे की तरफ, यानी हौज जो है वो पहले बन चुका था 1230 में, और ये जो जहाज महल है ये बना था। तो अब इसके नीचे चलते हैं और नीचे से भी देखते हैं इसे जहाज महल को। हालांकि मुझे इसका आर्किटेक्चर और इसकी बनावट काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इस तरह का बिल्डिंग मैंने मतलब पहली बार देखा है, जो बिल्कुल द्वार पे तीन बने हुए इस तरह की छतरी और गुम्बद, और पीछे की तरफ भी इस तरह से बने हुए और यू आकार में। ये देखिए देख सकते हैं आप यू आकार, तो मुझे इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर काफ़ी पसंद आया, काफ़ी वंडरफुल है लोधी वंश का। और इसके गुम्बद के ऊपर आपको नीले नीले निशान नज़र आ रहे होंगे, और इस तरह के नीले निशान हमने देखे थे नीली मस्जिद पर, जो कि होस काज के अंदर है, इस तरह की जो टैले लगी हुई थी उनके ऊपर नीले नीले निशान नीली मस्जिद पे, तो यही निशान देखिए यहाँ पर भी नज़र आएंगे आपको, पुराने उसी दौर के 500 साल पुराने। चलते हैं हम इसे नीचे से देखने के लिए, सामने की तरफ से और इधर की तरफ से। तो अगर इधर की तरफ जाएंगे हम तो कमरे नुमा बने हुए दिखाई देंगे आपको, इस तरह से गुम्बद है छोटे छोटे बने हुए, और ये कमरे हैं ये देखिए इस तरह से इस साइड में। और हालांकि सामने की साइड जो है वो बिल्कुल खाली है, लेकिन अगर इसका जो मेन पॉइंट है अगर वहाँ पर हम आएंगे तो ये देख सकते हैं आप गेट बना हुआ है, और ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ये देखिए अल्लाह लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, और ये गेट बना हुआ है, और ये लोहा देख सकते हैं आप उसी दौर का, उसी दौर में लगा हुआ है, यानी 500 साल पहले। और इस तरह से इसका ये मेन गेट है ये देखिए, और यहाँ से अगर हम यहाँ की तरफ आएंगे तो सामने ही आपको मेहराब बना हुआ नज़र आएगा, जैसे कि ये मतलब दर्शाता हुआ किबले रुख की तरफ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर नमाज होती हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह का बना हुआ है। ये रहे गुम्मद, और ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल एकदम किबले रुख वाला डायरेक्शन है ये। ये देखिए इस तरह से इसका जो मतलब ये बिल्डिंग बना हुआ है बिल्कुल, और जो मेन गेट है बिल्कुल किबले रुख की ओर जाता हुआ, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह के रूम बने हुए हैं, और पीछे की तरफ ये जहाँ से हमने एंट्री की।
अगर आप इसके चारों तरफ का हिस्सा देखेंगे तो आपको इस तरह से जगह छुटी हुई नजर आएगी, नहर की तरह, जैसे नहरें होती हैं उस तरह से। और पीछे की ही तरफ हौज़े शमसी है, तो एक दौर होगा कि इसके चारों तरफ जो है पानी होगा, और अब तो नहीं है पानी क्योंकि हौज़े शमसी पीछे की तरफ है। यहाँ पर पार्क बना दिया गया और ये पीछे की तरफ इसका हिस्सा जो मेन है हमने आपको दिखाया, और ये देखिए ये सराय जैसे कि दिखा है इसको इतिहासकारों ने, तो ये कमरे बने हुए हैं पूरे, ये यहाँ पर ठहरने के लिए, रुकने के लिए। ये देखिए तो यहाँ पर जो बाहर के लोग आते थे लोधी वंश के दौर में, वो रुकते थे यहाँ पर, आराम करते थे। और ये बिल्कुल किनारे पर है इसी तालाब के। पूरे तरीके से इसकी तारीख लिखी हुई नहीं है कि ये लोधी वंश के किस बादशाह ने बनवाया, यानी बहलो लोधी ने बनवाया या सिकंदर लोधी ने बनवाया, किसने बनवाया। बस यह है कि ये लोधी वंश के टाइम में बनी हुई सराय है, और यहाँ पर लोग जो हैं, जो ट्रेवलर होते थे या फिर जो मिलने वाले होते थे, वो लोग रुकते थे। बस इतना है इसके बारे में, बाकी कोई पक्का नहीं लिखा हुआ कि भाई कौन से बादशाह ने बनवाया ये। लेकिन इसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसका लुक जो है, मतलब ऊपर की तरफ जो छतरियाँ बनी हुई हैं ना, ये इनसे जो है इसको देखने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और अब इसके पीछे की तरफ चलते हैं हम हौज़े शमसी देखने के लिए, और इसे बाहर से देखेंगे थोड़ा और, तो इसके बाहर की तरफ चलते हैं। और से इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं इस तरह का नज़र आएगा, जैसे कि कोने पे इसके इस तरह के मीनार नुमा आर्किटेक्चर है, और ये ऊपर छतरियाँ हैं, और नीचे की तरफ ये जगह खाली पड़ी है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी मीनार नुमा आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये देखिए इसका पीछे का हिस्सा, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया वही किबले रुख वाला। और ये देखिए ये रही छतरी, और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मीनार नुमा आर्किटेक्चर नज़र आएगा। और चारों तरफ इसके देखिए इसी तरह से यहाँ पर पानी चलता होगा उस दौर में, ये देखिए पानी रहता होगा, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसके पीछे का हिस्सा इस तरह से, और वहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलते हैं हौज़े शमसी की ओर। रहा देखिए जहाज महल, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम आ गए अभी हौज़े शमसी के पास। ये देखिए ये है हौज़े शमसी, जो कि इल्तुतमिश ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था 1230 में। ग़ुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश का जब दौरे हुकूमत था, तो उनके सपने में अल्लाह के रसूल आए थे, ऐसा मतलब उनका कॉल है, और उन्होंने उनको बताया था कि आप एक तालाब का निर्माण करो। तो तब उन्होंने ये तालाब का निर्माण करा था जिसका नाम है हौज़े शमसी, और आज भी ये मेहरौली के अंदर है तालाब शमसी के नाम से। ये देख सकते हैं आप पीछे की ही तरफ रहा जहाज महल, और ये रहा एक तारीखी तालाब सुल्तान इल्तुतमिश के दौर का। तो ये सब चीज़ें देख के और इनके बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह कैसी वीडियो बनाते रहेंगे। ये एरिया है मेहरौली का, मेहरौली के अंदर आपको, जहाँ पर मेहरौली के अंदर आपको एक से एक पुरानी सल्तनत के निशानात मिल जाएंगे, और चाहे वो मुग़ल हो या ममलूक हो या फिर लोधी हो या फिर खिलजी हो, सभी के भाई यहाँ पर निशानात हैं इस मेहरौली के अंदर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे वीडियो आप देख सकते हैं शॉर्ट में, और चैनल पे भी देख सकते हैं शॉर्ट में वीडियो।